मैली, मैली, मैली। पैसे मिल गए ना, अब जाओ यहाँ से। नहीं, ये तो कम है। पागल मत बनो, बस यही मिलेंगे। भाभी इसे पैसे दे रही है क्या? इसको भाभी ने हायर किया था? यकीन नहीं आ रहा मुझे। ये कैसे हो सकता है? चलो तुम चल के गाड़ी में बैठो। कौन हो तुम? मुझे गलत मत समझे, रिलैक्स हो जाए। तो आप जानते हैं बच्ची को? मैं कुछ पूछ रहा हूं, कौन हो तुम ये बताओ मुझे। भाई मैंने इसे अकेले भागते हुए देखा, लेकिन मैं इसकी मदद करना चाह रहा था और ये भागती रही। शायद बहुत डर गई है, लगता है ये बच्ची घर से भागी है। मैं तो बस इस बच्ची की मदद करना चाह रहा था। ठीक है, मैं जानता हूं इसे। पुलिस को कॉल करें क्या? बच्ची का मामला हसास होता है। अब समझ आ रहा है मुझे, इसका मतलब ये सब कुछ प्लान का एक हिस्सा था। मैंने ये क्या हुआ? कुछ तो बोलो। सब्र करो, सब्र। से सबको उसके बारे में एक ही बात बोल रही हूँ, उसके बारे में जाने बगैर उसे जिंदगी में शामिल कर लिया। लेकिन वो दिखने में तो शरीफ लगता था। फरीहा सुनो, इस तरह के काम ऐसे नहीं किए जाते, टाइम लगता है, पहले इंसान को जानना जरूरी है। ये सब कुछ नहीं होता अगर हमने उसे अच्छे से जान लिया होता। एपिक का इसमें कोई कसूर नहीं, ये तो हर इंसान को अच्छा समझती है। मुझे मैली से ये उम्मीद नहीं थी, लेकिन मुझे मैली से इसी हरकत की उम्मीद थी। हम हॉस्पिटल जा रहे हैं, तुम ठीक हो जाओगे। हिम्मत करो मैली, हिम्मत करो। क्या हुआ मैली, आखिर ये सब कुछ किसने किया? देखो अब इसको इसमें से ऐसे निकाल देंगे। इस तरह? शायद मैंने कर लिया। हाँ हाँ बिल्कुल, तुम तो काफी अच्छी सिलाई करती हो, हाथ में सफाई है माशाल्लाह। देखने में आसान लगता है लेकिन बिल्कुल आसान नहीं है। हाँ हर चीज थोड़ी मुश्किल तो होती है। इसकी हम चुटिया बना देते हैं, एलिफ को बहुत पसंद आएगी। ठीक है, फिर ये चुटिया वाली लड़की होगी। सादत आपा, अलमास इतनी चुप क्यों रहती है, बात क्यों नहीं करती वो? उसके पास अपने ही बहुत मसले हैं, लेकिन कभी नहीं देखती, रोती रहती है और सब कुछ अपने अंदर रखती है, कुछ भी बाहर नहीं आने देती। उसका एक भाई था, वो उससे हमेशा मिलने के लिए आता था,
हर मुलाकात वाले दिन, कोई भी दिन नहीं छोड़ा उसने। तो फिर उसके बाद बस मुलाकात का दिन दोबारा आया। अलमास अच्छे से तैयार हुई, बहुत खुश थी वो। लेकिन जब मैं यहाँ वापस आई तो बहुत बदहाल थी वो। उसे उस हालत में देख के हमें कुछ समझ नहीं आया। उसकी हालत देखने में ऐसी थी जैसे उसका जिस्म तो यहाँ था लेकिन उसकी रूह उसका साथ छोड़ चुकी थी उस दिन। ऐसा क्यों, क्या हुआ था? उस दिन उसे पता चला कि उसका भाई मर गया है। अलमास उस दिन से कभी नहीं बोली, उसने बोलना ही बंद कर दिया। आंखें खोलो मैली, आंखें खोलो, हम हॉस्पिटल बस पहुंचने वाले हैं। तुम्हें कुछ भी नहीं होगा मैली। उसका भाई उन लोगों के पीछे था जिनकी वजह से उसकी बहन जेल में पहुंची थी, लेकिन उन लोगों ने उसे गोली मार दी और वो वहीं पर अपनी आखिरी सांस तक पड़ा रहा। बेचारी, इसका मतलब अब उसके पास जीने की कोई वजह नहीं है, बिल्कुल अकेली हो गई। हाँ, भाई बहन का रिश्ता ही ऐसा होता है, वो आपकी जिंदगी के लिए बहुत जरूरी होते हैं। आप उनके लिए अपनी जान तक गंवा देते हैं, एक मिनट के लिए भी नहीं सोचते। जिंदगी कुछ लोगों के साथ अच्छे से नहीं पेश आती। अलमास भी उनमें से एक है। उसने उस आदमी को मार दिया जो उसे गलत काम पर लगा रहा था, तो बेचारी यहाँ आ गई, बहुत गलत हुआ। भाई की डेथ हुई तो ये यहाँ थी? यही थी। मुझे कभी माँ बाप भाई बहन का प्यार नहीं मिला, लेकिन मैं जानती हूँ प्यार क्या होता है। अंदाजा है कि रिश्ते किस कदर अहम होते हैं। आपा, मुझे तुम पर बहुत गुस्सा आ रहा है। अच्छा, ठीक हूँ मैं। रोना बंद करो प्लीज। कहा ना फरियाद, ठीक हूँ मैं। मैली के लिए मैं अब एक आंसू भी नहीं बहाऊंगी। हाँ बिल्कुल, तुम खुद को संभालो पहले, देखो सब कुछ ठीक हो जाएगा। देखना मैली, मैली का नाम मैं अब कभी नहीं सुनना चाहती फरिया। मैं अब ये बर्दाश्त नहीं करूंगी, सब खत्म। आज से वो मेरी जिंदगी का हिस्सा नहीं है। ये नहीं हो सकता, वो ऐसा नहीं कर सकती। गुड मॉर्निंग बेटा। गुड मॉर्निंग सलीम, क्या बात है? कल रात अलिफ मुझे जंगल में मिली। क्या मतलब है, अकेली थी वो? जी के नंद भाई। क्या कमरे का दरवाजा लॉक नहीं था? वो खुद से कैसे लॉक खोल कर जा सकती है? केनान भाई, मैं इतनी घबराहट में था कि कुछ याद नहीं रहा। बहुत गलत हुआ, आखिर ये कैसे हो गया? खैर, मैं बाहर जा रही हूँ, कुछ काम है, शाम तक वापस आऊंगी।
तुम्हें याद है कि कल रात हुआ क्या था? तुम अकेले बाहर क्या कर रही थी? कुछ याद है तुम्हें? देखो, ये तुम्हारा ही घर है। यहां हर कोई तुमसे प्यार करता है बहुत। मैं समझ सकता हूं कि तुम्हारा दिल नहीं लगता यहां, लेकिन भागने से कुछ नहीं होगा बेटा। हम हल ढूंढ लेंगे, ठीक है? असल में उस रात मेरा बाहर जाने का बिल्कुल भी दिल नहीं था। एक दोस्त ने कॉल की मुझे। वो मुझसे किसी तरह की मदद मांग रहा था और मैंने उसे मना नहीं किया। फिर तो हम बहुत खुशकिस्मत हैं कि इस दौर में आप जैसे इंसान से मुलाकात हुई। या अल्लाह, मैं क्या करूंगा? एलिफ की किडनैपिंग में मेरी भाभी का हाथ था क्या? लेकिन अगर वो सिर्फ एलिफ से जान छुड़ाना चाहती थी तो ताबान क्यों मांगा उन्होंने? तुमने देखा ना क्या हुआ सलीम? अगर किसी ने हमारी बात सुनी होती तो आज ऐपे किस हाल में नहीं होती। मैली ने सबको हैरान कर दिया। अगर वो वाकई एपिक को चाहता तो एग्जीबिशन में जरूर आता। तुमने भी तो कहा था तुम्हें उस पे यकीन नहीं। उसने हम सबको इतने अरसे से पागल बनाया है सलीम। हम दोनों इतने अरसे से एक ही बात कर रहे थे। देखो, आज साबित हो गया। हमें अभी लाजमी बात करनी होगी जैनब। कैफे आ रहा हूं मैं। कहीं बाहर जा रहे हैं सलीम साहब? हाँ गुंजा, एक जरूरी काम आ गया है मुझे। अपना ख्याल रखिएगा। गुंजा जी बोले। एलिफ अमानत है मेरी, प्लीज बहुत ख्याल रखना। रखोगी ना? हाँ हाँ, क्यों नहीं, आप बिल्कुल फिक्र मत करें। शुक्रिया। बहुत ही अच्छा है अरकुत भाई, बहुत ज्यादा। हमें उसे इस्तेमाल करना है लेकिन हमारी हिम्मत ही नहीं हो रही। वैसे अरकुत भाई, ज्यादा फर्नीचर नहीं है अभी घर में, लेकिन जितना भी है नया है ना बाबा? तो क्या हुआ, इस्तेमाल कर ले बाबा। बहुत शुक्रिया अरकुत भाई, लेकिन तुम्हारा इससे अच्छा होगा। इंशाल्लाह बाबा, इंशाल्लाह। हाँ, लेकिन एक बड़ा मसला है यार अरकुत। बड़ा टीवी चाहिए। ये जो मेरा बेटा है ना, एक ही रट लगा के बैठा है कि बाबा मुझे बड़ा टीवी चाहिए, मैं छोटा टीवी नहीं देखूंगा। और मुझे लगता है कि पहली बार जिंदगी में ये सही बात कर रहा है। हाँ ना, क्यों नहीं बाबा, उस बड़े लिविंग रूम में तो बड़ा टीवी ही अच्छा लगेगा, वरना बड़े घर का क्या फायदा। खामोश हो जाओ मुराद, तुम जो ख्वाहिश करो मैं उसे पूरा करता जाऊँ। तो आप आराम से उस घर में सेटल हो गए हैं? थोड़ा थोड़ा, नया घर है ना। उसकी हीटिंग कैसी है? बेहतरीन। मैं तो बस घर जाता हूँ और टेम्परेचर सेट करके आराम से लेट जाता हूँ, मजा आ जाता है। वाह बाबा, आपके तो मजे आ गए। हाँ सुनो अरकुत, अगर तुम्हें कोई काम नहीं है तो तुम कहो तो हम आज चल के सेलिब्रेट करते हैं, कैसा है? हाँ क्यों नहीं बाबा। वाह क्या बात है, आज हम लोग पार्टी करेंगे, बहुत मजा आएगा। मार्केट से अच्छा सा खाना और पनीर वगैरह ले लेंगे, कुछ बारबेक्यू और रोल वगैरह ले लेंगे, ठीक है? और कुछ मीठा भी ले लेंगे बाबा।
वो भी ले लेंगे लड़के, ले लेंगे। वो अब कैसा है डॉक्टर साहब? उन्हें गोली बहुत नाजुक जगह पर लगी है और काफी खून भी बह चुका है, ऑर्गन्स डैमेज हो चुके हैं। हमें जल्दी उनका ऑपरेट करना होगा। वो ठीक तो हो जाएगा ना? इस बारे में मैं अभी कुछ नहीं कह सकता, लेकिन आप हर तरह के हालात के लिए तैयार हो जाएं और दुआ कीजिए। जब मैं यहाँ आई तो मुझे सबने कहा था, सही कहा था बिल्कुल, इन चीजों के बगैर यहाँ वक्त नहीं गुजरता। जिंदगी में बहुत कुछ हो जाता है लेकिन उसके साथ ही जीना होता है। बचपन में बाजार से नए कपड़े और जूते लेते थे ना, और बालों के लिए क्लिप्स भी, लेकिन इतने पैसे नहीं होते थे और दुकान के बाहर खड़े देखते रहते थे। ये सब चीजें कभी मुझे अहम नहीं लगी अपनी जिंदगी में। मुझे कभी बाजार से नया सूट लेने का शौक नहीं था। क्या करती सबका, क्योंकि इन सब चीजों को दिखाने के लिए मेरे पास फैमिली ही नहीं थी। क्योंकि उन चीजों को दिखाने के लिए ना अम्मी ना बाबा कोई नहीं था। मगर मैं जानती हूं कि प्यार क्या है, बहुत अच्छे से पता है मुझे। अम्मी का प्यार और बाबा का प्यार क्या है नहीं मालूम। मैं बस दुआ करती थी कि मैं भी वालदेन के प्यार को महसूस कर सकूं, उनकी जिंदगी की कोई याद तो हो जिसको याद करके मैं रो सकूं। एक बार ऐसा हो जाए बस। यही दुआ करती थी। शुक्र करो कि तुम्हारी फैमिली है तुम्हारे साथ, दिल में है। नर्स बात सुनिए, कहाँ ले जा रहे हैं? ऑपरेशन थिएटर ले जा रहे हैं। ये ठीक तो हो जाएगा ना, प्लीज कुछ बताइए। हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे। सो गई है? अच्छी बात है, सोने दो इसे। तुम बहुत गुस्से में घर से निकले थे, मैं तो डर ही गई थी। मैली से मिले क्या तुम? मिला था अम्मी, मिला था। तो उसने क्या कहा फिर, क्यों नहीं आया एग्जीबिशन में? पूछ नहीं सका अम्मी। क्यों? मैली का ऑपरेशन चल रहा है। क्या क्या हुआ है उसे? अल्लाह खैर करे, सब ठीक तो है ना अम्मी? मुझे अभी कुछ भी नहीं पता।
लेकिन आप एपिक को कुछ भी नहीं बताएंगी। ठीक है बेटा, समझ गई, लेकिन उसके घर वालों को तो खबर करनी होगी। ठीक है अम्मी, मैं उन्हें कॉल करता हूँ, लेकिन प्लीज एपिक को पता ना चले। ठीक है बेटा, तुम भी परेशान मत होना और मुझे हर बात से बाखबर रखना। ठीक है। आली आंटी, क्या हुआ है मैली को? पता नहीं बेटा, मैली का ऑपरेशन हो रहा है। क्या, कैसा ऑपरेशन, क्या हुआ है मैली को आंटी? पता नहीं, केनान मैली के साथ ही है, वो हमें इन्फॉर्म करता रहेगा। परेशान हो गई थी, बताओ क्या हुआ? सलीम बताओ ना, तुमने कहा अर्जेंट है, अलिफ तो ठीक है ना? मैं बताऊंगा ज़ैनब, रिलैक्स हो जाओ। तो बताओ ना। तुमने बहुत छोटा बना दिया है, मेरी आनी इतनी छोटी नहीं है अलिफ। लेकिन तुमने पिकापा को बहुत मोटा बना दिया है। जी नहीं, ऐसा नहीं है, तुम्हारी आंखें कमजोर हो गई हैं। मैंने बहुत अच्छा बनाया है उन्हें। क्या हो रहा है, तुम दोनों क्या कर रहे हो? हम आनी की ड्राइंग बना रहे हैं अम्मी। बहुत अच्छा सोचा तुम दोनों ने। एलिफ बेटा, मुझे अपनी ड्राइंग तो दिखाओ। बहुत अच्छी ड्राइंग करती हो तुम तो, ये तो बहुत प्यारी है। बहुत शुक्रिया आपका। अम्मी देखिए, मेरी भी ड्राइंग अच्छी बनी है ना? बहुत खूब। चलो अब जल्दी खत्म करो, फिर आंटी को दिखाना। एलिफ बेटा, सलीम अंकल आपको कहाँ लेकर गए थे? किसी से मिलवाने गए थे? एलिफ बेटा बताओ ना, किससे मिलने गए थे? मैडम, कब से ढूंढ रही हूँ आपको। क्या हुआ गौंजा, चिल्ला क्यों रही हो? आपको पता चलेगा तो समझ जाएंगी। बोलो क्या हुआ? मैली साहब। मैली क्या? सबका किया सामने आता है, जैसी करनी वैसी भरनी। पहेलियां मत बुझाओ गौंजा, साफ साफ बताओ क्या हुआ है। मैली साहब की सर्जरी हो रही है। क्या? मेरी भाभी। क्या हुआ? कैसे बताऊं तुम्हें, मुझे उनकी कुछ चीजें ठीक नहीं लगती कभी कभी। क्या कहना चाह रहे, खुल के कहो। पता नहीं, मैं अनकंफर्टेबल फील करता हूँ। ठीक है, लेकिन जो भी कहना है खुल के कहो ना। एलिफ के बारे में। एलिफ के बारे में? देखो, अगर एलिफ को कुछ हुआ है तो बता दो। नहीं, वो ठीक है, फिक्र मत करो। लेकिन। लेकिन क्या? डर रहा हूं मैं ज़ैनब, मुझे डर है कि कहीं उसके साथ कुछ हो ना जाए। मैं तुम्हारा मतलब समझ गई, जल्द ले जाऊंगी अलिफ को वहां से। बाबा भी घर से चले गए, अलिफ को रख सकती हूँ मैं अपने पास? नहीं, कभी नहीं। आलिया आंटी, एपिक को कैसे बताएंगे अब? किनान ने मना किया है कि एपिक को अभी कुछ नहीं बताना। लेकिन बाद में भी तो पता चलेगा ना? हाँ बेटा, जानती हूँ, उसे पता चल जाएगा इस बात का, लेकिन अभी देखते हैं सूरत हाल क्या है। इसीलिए वो एग्जीबिशन में नहीं आ पाया था, फजूल में इतने इल्जाम लगा दिए उस पर। ये बात हमें भी कहाँ पता थी, अभी भी कुछ नहीं कह सकते, इंतजार करना होगा कि हुआ क्या है उसे। अम्मी जान, आपको पता चला क्या हुआ? मैली के बारे में बात कर रही हूँ ना तुम? ऑपरेशन थिएटर में है। जानती हूँ बेटा, जानती हूँ। केनान से बात हुई थी? हाँ बिल्कुल,
तो हुआ क्या है? पता नहीं, किन्नान ने भी कुछ नहीं बताया। मैली के ऑपरेशन का बताया और फोन काट दिया। अल्लाह जाने क्या हुआ होगा। जाहिर है इतना सीक्रेट काम करेगा इंसान तो एक दिन सब सामने आ जाता है। डॉक्टर, जख्म के पास एयर बबल्स हैं। थोराकॉर्ट में करेंगे हम। नर्स आयसुन, ब्लीडिंग वेन को ब्लॉक करें। ठीक है डॉक्टर। पेशेंट की कंडीशन बहुत क्रिटिकल है, सब बहुत ख्याल से काम करिएगा। जी बोलिए। मैं एक पेशेंट को आपके हॉस्पिटल में लेकर आया था, उनकी फैमिली को इन्फॉर्म करने के लिए उनका फोन चाहिए होगा मुझे, क्या मिल सकता है? मुझे याद नहीं आ रहा कि उनके पास फोन था या नहीं, लेकिन मैं फिर भी चेक कर लेती हूँ। सॉरी, उनके सामान में फोन नहीं है। आपको यकीन है कि फोन नहीं है? अगर फोन होता तो यहाँ सामने होता, बस ये एक पेपर है उनके सामान में। ठीक है, शुक्रिया। आरजू मैडम बहुत चालाक है, एलिफ से अच्छी तरह बात करके सलीम की खबर ले रही हैं। अच्छा हुआ मैं एलिफ के बोलने से पहले आ गई। मेरी ड्राइंग खत्म हो गई। मेरी भी खत्म हो गई। बहुत अच्छा किया। अच्छा अभी थोड़ी देर और बैठो, फिर चलते हैं। चलो मेरे साथ, हम दोनों अपनी ये ड्राइंग आनी को दिखाते हैं। एपी कापा बहुत खुश होंगी। हाँ, लेकिन बच्चों वो सो रही होंगी, उन्हें आराम करने दो, अभी परेशान मत करो। तो फिर हम दोनों उन्हें बाद में दे देंगे। तो फिर ऐसा करते हैं, हम इस ड्राइंग को रख देते हैं, दूसरी बनाते हैं। ठीक है। अगर तुम दोनों चाहो तो इस ड्राइंग को मेरे रूम में रख सकती हो और वहाँ तुम दोनों आराम से बातें भी कर सकती हो। ठीक है। हमें अपना सामान उठाना चाहिए। और ये कलर बॉक्स भी लेकर जाओ। ओ हाँ, ये तो भूल ही गई मैं। परेशानी वाली कोई बात नहीं है सलीम साहब, यहाँ सब ठीक है। सलीम बोलो, मैं सुन रही हूँ। क्या मतलब है एलिफ नहीं दे सकते? रिलैक्स हो जाओ, सब समझाऊंगा। रिलैक्स हो जाऊँ मैं? जल्दी बताओ, कस्टमर बैठे हैं। यही तो मसला है कि कस्टमर वेट कर रहे हैं। क्या मतलब है? तुम काम करती हो, कॉलेज जाती हो, कॉलेज में ही इतना टाइम लग जाता है, फिर तुम यहाँ एक्स्ट्रा शिफ्ट करती हो। एक्सक्यूज मी, ऑर्डर ले लें। जी मैं अभी आ रही हूँ। इतने काम के साथ तुम एलिफ का ख्याल कैसे रख सकोगी? उसके लिए टाइम कैसे निकालोगी? घर पर अकेला छोड़कर आओगी क्या तुम? जैनब, मेरे पास इससे अच्छा आइडिया है। एलिफ के लिए एक नैनी हायर कर लेते हैं, फुल टाइम वाली, वो पूरा दिन उसका ख्याल रख पाएगी। मतलब मैलिकाबा के बाहर आने तक, तब तक हम एलिफ की तरफ से बेफिक्र हो सकते हैं। तुम बहुत अच्छा बना रही हो।
ध्यान से देखो, तुम जल्द ही सीख जाओगी। आपा यहाँ एक लाल बटन रखा था, अब नहीं है। यही कहीं होगा, देखो ध्यान से। शुक्रिया। ये सब क्या है, क्या हो रहा है? ये सामान कहाँ से आया? हटाओ इसे यहाँ से। तुम्हें इससे क्या मसला है? हाँ है मुझे मसला। अब तुम मुझसे जबान चलाओगी? मुझे फजूल में गुस्सा मत दिलाओ। हम बस टाइम पास कर रहे हैं, और क्या करें? मैंने तुम्हें यहाँ टाइम पास करने की इजाजत दी थी क्या? यहाँ पर करने को बहुत काम पड़ा है, और तुम यहाँ बैठी मुझसे जबान चला रही हो? मेरी बात सुनो, मुझे झगड़ा करने पर मजबूर मत करो। अलमास, जाओ जाके बर्तन धो, जाओ। आवाज नहीं आ रही, खड़ी हो जाओ, जाके जल्दी काम शुरू करो। काहिल औरत कहीं की। ओ, ठीक है, मैं धो दूंगी, उसके पीछे मत पड़ो। ठीक है, अगर तुम्हारा दिल कर रहा है तो धो, अब तुम सारे बर्तन अकेले बैठ के धोगी, मुझे क्या? उठो अलमास। अभी तक किनान ने कुछ नहीं बताया, मुझे तो फिक्र हो रही है क्या हुआ होगा। क्या हम सब हॉस्पिटल चलें? अम्मी जान, एपिक को इस तरह अकेले छोड़ के जाना ठीक रहेगा? तो फिर क्या करूं मैं? किनान ने कहा है उसका ऑपरेशन हो रहा है, अगर कुछ सीरियस हुआ तो। उसके घर वालों को भी अभी तक नहीं पता। हेलो किनान, क्या हुआ है बेटा? क्या तुमने मैली के घर वालों को बताया? मैली के पास उसका फोन नहीं था, नहीं बता सका। या अल्लाह, हो सकता है कि एपिक के फोन में नंबर हो, आप चेक कर लें। ठीक है बेटा, चेक करके कॉल करती हूँ तुम्हें। ठीक है, वेट कर रहा हूँ। किनान, एक मिनट मेरी बात सुनो। कैसी हालत है अब मैली की? कुछ सुधार आ रहा है क्या? कोई सुधार नहीं अम्मी, ऑपरेशन जारी है। समझ गए बेटा, ठीक है, मैं तुम्हें थोड़ी देर में कॉल करती हूँ, अपना ख्याल रखना तुम भी। ठीक है अम्मी। क्या हुआ आलिया आंटी? कुछ नहीं बताया, केनान कह रहा है कि उसके पास नंबर नहीं है मैली के घर वालों का, कह रहा था एपिक के मोबाइल में चेक करके बताएं। ठीक है, मैं देखकर बताती हूँ। रही हूँ मैं बहुत सारे स्टार्स बनाऊं और हर स्टार में अलग अलग कलर करूं। एलिफ, अब तुम क्या नया बनाओगी? इंसान की ड्राइंग बनाऊंगी जैसे मैं चाहती हूँ। किसकी? अपनी अम्मी की। तो फिर मैं भी अपने बाबा की ड्राइंग बनाऊंगी, क्योंकि मैं अपने बाबा को बहुत चाहती हूँ। चलो बच्चों, जल्दी से सैंडविच खा लो। ये मुझे बहुत भूख लगी थी। बहुत शुक्रिया गौंजापा। शुक्रिया की कोई जरूरत नहीं, एक बात याद रखना, गिराना नहीं, आराम से खाना।
एलिफ, देखो ये मेरा फेवरेट बर्गर है। वाकई बहुत मजे का है ये। जख्म के आसपास एयर बबल्स बनते जा रहे हैं डॉक्टर। हाँ, थोराकोटमी भी असर नहीं कर रही, कॉम्प्लिकेशंस बढ़ सकती हैं। नर्स एसुन, आप वेन को चेक करें जल्दी। ठीक है डॉक्टर। आप जल्दी जाएं और डॉक्टर साउथ को बुलाकर लेकर आएं। फरिया, क्या कर रही हो? एपिक, वो तुम्हारा फोन बज रहा था तो मैंने सोचा साइलेंट कर देती हूँ। फोन बज रहा था? किसकी कॉल थी? मेरा मतलब है कि तुम्हारे नंबर पे मैसेजेस बहुत आ रहे थे। मैली के मैसेजेस आ रहे थे क्या? नहीं मेरी जान, कंपनीज के मैसेजेस थे। मैं तुम्हारा मोबाइल इसलिए बाहर लेके जा रही थी कि तुम्हारी नींद ना खराब हो जाए। चलो तुम सो जाओ, आप अगर कुछ चाहिए हो तो मुझे बता देना, मैं ले आऊंगी। ऐसा नहीं चलेगा। बस करो सुस्ती, उठो जाओ, मेरे कपड़े धोकर लाओ। मैंने कहा जाओ जल्दी। क्या हुआ, अब क्या बहरी हो गई हो तुम? जाओ, मैंने कहा मेरे कपड़े धो जाके। छोड़ो उसे। क्या बोल रही हो तुम, होश में हो क्या? बिल्कुल हूँ, पूरी तरह होश में हूँ। उसे अब तुम हाथ नहीं लगाओगी। देखो देखो मैं तुम्हें क्या करूँगी। हाँ मारोगी मुझे? मारो, आओ। जब अल्लाह करे सब जगह खैरियत हो। क्या कहा तुमने? ये क्या बोल रही है, सुना क्या सबने? सुनो, मैं यहाँ की बदमाश हूँ, आइंदा मुझसे इस तरह बात मत करना। तुम जाओ फौरन जाके कपड़े धो मेरे, जाओ। अलमास, बैठो। तुम मुझे चैलेंज कर रही हो क्या? बात सुनो, मेरी बदमाशी है, जो मैं कहती हूँ वही होता है, जिसको जो मैंने बोल दिया चाहे कुछ हो जाए वही होगा। बात समझ आ गई ना? सब कुछ मेरे कहने से शुरू होता है यहाँ। देखो देखो,
देखो जैसे जैसे मैं तुम्हारी चीजें फेंक रही हूँ, जो चाहे कर सकती हूँ मैं, यहाँ सब बर्बाद कर सकती हूँ मैं, देख रही हो ना तुम, देख लिया ना तुमने। ये तुम क्या कर रही हो? हाँ देखो देखो, ये क्या कर रही हो तुम? क्या कर रही हूँ मैं, क्या कर रही हूँ मैं? हाँ मुझे दो ये। अब तुम्हें समझ आ गया होगा कौन हूँ मैं। हाँ सबको अपनी औकात पता होनी चाहिए, सबको, और तुम्हें खास तौर पे। पूछे वो मुझे ग्रीन कलर देना, ये लो। टूचे तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? मैं पूरे घर में ढूंढ रही थी। देखिए अम्मी, मैं ड्राइंग बनाने में मसरूफ हूँ, तो प्लीज मुझे डिस्टर्ब नहीं करें। टूचे गुस्सा मत दिलाओ तुम मुझे, यहाँ क्यों हो, रूम में क्यों नहीं हो तुम? अम्मी बस करे ना, हम कुछ नहीं कर रहे हैं, सिर्फ ड्राइंग बना रहे हैं। देखिए मैंने कितनी अच्छी बाबा की ड्राइंग बनाई है, बाबा से मिलती है ना? मिलती है। एलिफ भी अपनी अम्मी की ड्राइंग बना रही है। फिर हम इन दोनों ड्राइंग्स को मिलाकर एक बहुत अच्छा सा एग्जीबिशन करेंगे, सब देखने आएंगे। क्या क्या मतलब मिला के, क्या बोले जा रही हो, कैसी बातें कर रही हो? ये बेकार आइडिया जरूर तुम्हारा होगा, लाओ इसे मुझे दो। लेकिन मैं इसमें कलर कर रही हूँ। मुझे दो। मेरा ब्रेसलेट। अम्मी ये क्या किया आपने? आलिया आंटी, हम दूसरी बार फोन देख रहे हैं और इसमें नंबर नहीं है। काश इसमें नंबर मिल जाते। किनान भाई को जब नंबर नहीं मिला तो हमें कैसे मिल सकता है नंबर? जानती हूँ बेटा, लेकिन हमें उनके वालदेन को लाजमी खबर करनी होगी, उन्हें पता होना चाहिए कि क्या हुआ है। मामा किसके वालदेन की बात हो रही है, किसको क्या हुआ है? बेटा जैसा कि हमें लग रहा है कि वेन्स में कॉम्प्लिकेशंस हो रही हैं, एयर बबल्स और ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं। ब्लड प्रेशर कितना आ रहा है? गिर रहा है डॉक्टर, नब्स 40। डॉक्टर जल्दी, नब्स गिर रही है, इनकी नब्स जा रही है। डॉक्टर थोड़ा जल्दी कीजिए। डॉक्टर इनकी नब्स जा रही है।